ये कुमड़े के फूल, कुमड़ा ना मम्मी क्या है? हाँ यस, कुमड़े का सीताफल कहते हैं लखनऊ, नोएडा साइड में, वेस्टर्न यूपी में, पम्पकिन। सो इसका ना ये फ्लावर है, और इस फ्लावर में ना फल नहीं आता है, ऐसा आप लोगों को लगता वो होगा, अगर जो जो कि फल आ सकता जिसमें है। फल रहता है हाँ वो फल लेके उगता है पहले हाँ से। वो पहले से यहाँ नीचे ही ना, एक्चुअली यहाँ हाँ यहीं पे ही वो फल का हाँ छोटा पहले सा, फल ले तब फूल बाद में। तब बाद में आता है फ्लावर्स। और बट ये क्या है, ये सिर्फ फ्लावर रहेगा बस, इस तरह ये सूख के ऐसे ख़त्म हो जाएगा, और इसी बीच में आते हैं हम लोग खाने वाले। और इसका हम लोग इस तरह से यूज़ करके, ये देखिए हमारी मम्मी जान, और मम्मी इसका इस तरह से क्लीनिंग कर रही हैं, और ये ना बहुत लोग इसको फेंक भी देते हैं। तो ये देखिए इसका ये बेस इस तरह से क्लीनिंग हो रहा है। हाँ ये देखिए, सो ये हो गया डबल फ्लावर्स, डबल फूल, ज्यादा फूल है ना ज़्यादा फ्लावर्स है इसलिए यहाँ से। इसलिए डबलिंग करके रख रही हैं, नहीं से तो बहुत टाइम लग जाएगा। और थोड़ा डबलिंग करने से एक और प्लस पॉइंट होता है कि पकौड़ी बनाते टाइम ना थोड़ा सा हार्ड रहता है, अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा लगता है। ऐसे ऐसे क्या होता है ना, ये बहुत सॉफ्ट होता है ना, फ्रेश रहता है तो एकदम ही सॉफ्ट सॉफ्ट रहेगा, तो इसलिए डबलिंग करने से थोड़ा सा अच्छा रहता है। गोभी निकाल दे तो लाओ काट जाए। अच्छा हाँ, कितने का मिला है मम्मी? ये वाला बंच कितने का था? ये ये वाला, वाला 30 रुपया का पापा सुबह ले लिए रहे हैं। ये वाला। हाँ बिल्कुल, इसे रात दी मुट्ठी। अच्छा ये दो बंच इस तरह का था, 30 रुपए का था। हाँ और ये वाला तो अभी शाम में लाए हैं, अच्छा ये वाला शाम को लाए हैं, ये पता नहीं कितने का है। कोई दिया। हाँ कोई ऐसे दिया है। एक्चुअली क्या है ना, ये ख़राब भी हो जाता है ना, तो मान लीजिए किसी के पास में बहुत सारा है तो वेस्ट होने से अच्छा कोई खा लेता है तो दे देते हैं, नहीं तो ये आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसा दो बंच था तो 30 रुपये का था, मतलब एक 15 रुपये का है, और एक बंच में कम से कम कुछ नहीं तो 20 से 25 फूल है। कितना फूल हुई मम्मी? ऐसे ही हुई ना, 20-25 तो होगा इसमें, देख लो, 1 2 3 4 5 पाँच। हाँ इधर है तो छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 16 नहीं, हाई तो एक मुट्ठी डबल, में। हाई तो डबल है ना। मैंने तो ये वाला एक अट्टू लगा रखा है। अच्छा, ओके ओके, 16 फूल का एक बंच है ना हाँ 16 भाई, ज़्यादा लगा था जैसे कि 16 हाँ है। वही वैसे। अच्छा, हाँ वो पांच, ठीक है, बनेगा। तो 16 फ्लावर्स का एक बंच है। और ये पता मम्मी, मैं गैंगटोक में लेता था, 10 रुपये का दो फूल मिलता था मुझे, बस 10 रुपये का दो फूल, 50 रुपये का 6 ठू या ऐसे कुछ देते थे, कुछ 6 या 10 ठू रहता था, शायद 10 ठू रहता था, 50 रुपये का 10 ठू बंच करके ऐसे रखे रहते थे। हाँ वो भी ऐसे ही रहता था, टूटा फूटा, मतलब यहाँ तो वैसे मिल जाना, लेकिन अब कभी कभी नहीं मिलता है तो खरीद लेते हैं सब लोग मिलता है। हाँ। सो अभी ना इनकी क्लीनिंग हो रही है, और इसका जो प्रोसेस, क्लीनिंग प्रोसेस एक्चुअली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, कीड़े आते हैं, जैसे फ्लावर है ना तो फ्लावर में कई तरह के इंसेक्ट्स लग जाते हैं, तो इसका जो अंदरूनी ये पार्ट है ना, यहीं पे कीड़े हुए, बीज हुए, और बहुत सारे सारे इंसेक्ट्स इस तरह के आते हैं। लेकिन फिलहाल देखिए ये भी फ्रेश है, जब ये ताज़ा रहा होगा ना तो सारे कीड़े मतलब इसका रस चूस के निकल जाते हैं। जो तितली रहा है लेना, हाँ ऐसे कीड़ा पड़ जाना, देखो कीड़ा है इसमें। अच्छा नहीं देखा था लेकिन है ना, है, वाइट वाइट, हाँ यस। सो इस वजह से ना इसको ध्यान से एकदम खोल के उसको देखना पड़ता है, कीड़ा है या नहीं है। खैर यही वजह से उसको ना बहुत लोग फेंक भी देते हैं ना मम्मी, हाँ उसी की वजह से सब बहुत लोग फेंक देते हैं। ये कहीं ना के कीड़ा रहा था ना, हाँ नहीं जो देख पावत है, हाँ, नहीं बना पा रहे, फेंक देते हैं। हाँ वो सब फेंक देते हैं, बट साथ हर उसमें कीड़े हों ये जरूरी नहीं है, आप एक बार देखिए। लेकिन हाँ एक बार खा के देखिए, बहुत टेस्टी होता है यार, मतलब बहुत अमेजिंग। इसका सगवा भी बहुत बढ़िया लगता है मम्मी, फुनगिया का। हाँ तो वही तो बनाया रहे सुबह में जब खाए। अच्छा उसी का सगवा था। हाँ बहुत बढ़िया लगता है यार।
और अभी हमारे यहाँ ना दिवाली का माहौल है, आइए हम बाहर थोड़ा सा घुमा के दिखाते हैं कैसा दिख रहा है नज़ारा। आज आज क्या धनतेरस है ना मम्मी? हाँ, आज धनतेरस का दिन है, आज 29 तारीख है, 29 अक्टूबर 2024 का दिन है। और अभी तो दिए जल रहे थे, सारे दिए बुझ गए, बाजार ख़त्म हो गया लगभग। बाजार का माहौल थोड़ा थोड़ा डाउन हो गया, यहाँ देख सकते हैं इधर मार्केट अच्छा खासा है। इधर तो अभी पटाखे मतलब सेल नहीं थे, आज लाइट सिर्फ और सोना चांदी ये सब का खरीदारी लोग करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का। सिद्धार्थ नगर जिला एक पड़ता है उत्तर प्रदेश में, जो कि नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है। और यहाँ से लुम्बिनी, जहाँ पे गौतम बुद्ध जी, और इस रोड और उतर के फिर आपका नेपाल एक्चुअली इधर साइड में है। हम इस साइड जब जाएंगे तो नेपाल पड़ता है, और वो लोग वॉक करके फिर वहाँ से नेपाल क्रॉस करते हैं, वहाँ पे अपना जो भी सिक्योरिटी चेकअप है वो पास करते हैं, बोलो गौतम बुद्ध के जन्मस्थली पे। यहाँ पे बहुत सारे देश ने अपने अपने मंदिर टेम्पल जहाँ पे गौतम बुद्ध जी को माना जाता है जिन जिन देशों में। और इस तरह का ना पूरा मार्केट एक्चुअली आगे तक है, ये पूरा दूर तक ये बाजार है एक्चुअली, लगभग 1 किलोमीटर इधर नेपाल बॉर्डर लगता है। डेकोरेटिव लाइट्स के सो हमारे घर पे भी दिए जले थे बट अभी खत्म हो गए। धनतेरस के दिन से ही दिया स्टार्ट हो जाता है जलाना एक्चुअली घरों में। यार कीड़े आ रहे हैं, देखिए दरवाजे को थोड़ा सा बंद कर देता हूँ मैं। यस, तो ये देखिए प्रोग्रेस। और ये है हनी, ये ना हमारे यहाँ छोटी जो बीज होती हैं हनी भी, तो उनसे ये निकाला इन्होंने, फ्रेश फ्रेश एक था और फिर उनसे हमने परचेस किया और आज तक पे। अच्छा ठीक है, तो लाल पड़ी ना, तू अलिया पड़ जाए।